ललित गए थे हम लोग, ललित पे वहाँ से जाकर के फिर हम लोग मैरिट में आए हैं। अच्छा ये भी लगा थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभिमन्यु आपका फिर से अपने चैनल नोमैडिक अभिमन्यु पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज न्यू ईयर नाइट है, 31st of December एंड आई हैव कम टू द ललित। ललित में मैं आज आया हूँ यहाँ पर और आपको दिखाऊंगा मैं कैसी न्यू ईयर नाइट यहाँ सेलिब्रेट होती है। मैंने बताया था अपकमिंग इवेंट जयपुर जिसमें क्रिसमस था, प्री क्रिसमस नाइट थी, क्रिसमस नाइट थी और न्यू ईयर नाइट थी। तो खैर ललित में आ चुका हूँ, लेट्स सी हाउ इज द प्लेस, हाउ इज द पार्टी एंड क्या खाना है क्या नहीं है। तो अमित तो क्लब हॉपिंग करिए। ललित गए थे पहले हम, टाउन सेंट में जाने का प्लान था विच इज ऑल्सो हियर, बट टाउन सेंट में नहीं गया, ललित जाके आए वहाँ पर। इट वॉज देयर वॉज नो म्यूजिक, नथिंग, पीपल वर लाइक, लोग बाग गार्डन में खाना खा रहे थे एक टेबल पे, चार आठ लोग मिलके, जो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर म्यूजिक चल रहा हो, साथ में खाना भी हो। तो यहाँ पर मैरिट में मैं आया विच इज़ नेक्स्ट टू जवाहर सर्किल, क्योंकि यहाँ म्यूजिक भी है क्लब 18 में और यहाँ पर खाना भी है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, दारू भी है, स्टार्टर भी है। तो फिर मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और 12 बजे स्पेशली मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा, फिर देखते हैं न्यू ईयर ऐसे आप लोग भी इंजॉय करो और जुड़े रहिए चैनल पर। क्रिसमस तो जा चुका है, न्यू ईयर है और ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, अंदर में जगह लेके जाऊंगा आपको। और से पहले अगर चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि सपन में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नए वीडियोज देखे आता रहेगा। मैरिट में जो जयपुर के मैरिट में मैं हूँ इस समय क्लब लाउंज 18, लास्ट ऑलवेज से क्लब 18 लाउंज 18, वहाँ डांस म्यूजिक थोड़ा सा बेवरेजेस जो आपके स्टार्टर्स होते हैं, चिकन स्टार्टर, फिश, वेजिटेबल वेजिटेरियन स्टार्टर, तो वो तो चीज़ें वहाँ थी, लेकिन जो असली खाना है वो खाना इस जगह पे बुफे। आई वुड लाइक टू शो यू कि क्या क्या है यहाँ पे। पानी से स्टार्ट करते हैं, फूड की मेरी स्पेशलिटी है। अब ये अली
एज यू गाइस कैन सी बहुत अच्छा यहाँ खाने का अरेंजमेंट है, मिठाइयाँ बहुत सारी हैं, ये भी है इनका। फूड इज देयर, सो अब देखिए न्यू ईयर है तो टाइम पे हमें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पे हमने खाना नहीं खाया तो यहाँ न्यू ईयर में क्या होता है, अक्सर खाना ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कहीं भी जाएँ आप खाना पहले खा लो। खैर मैं नहीं भी खाऊँगा तो चलेगा, मैं खाना तो अपने घर पर भी खा लेते हैं हम, और ऐसा कोई यहाँ का फाइव स्टार क्रेज़ नहीं है कि यार यहाँ आना तो खाना ही। लेकिन जब छोटे होते थे तो मैं बता रहा हूँ दिल की बात, आपको 18-19 साल की उम्र से तो पहले ही होता था कि यार कहीं जा रहे हैं तो वह खाना नहीं ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अक्सर खाना ख़त्म हो जाता है, आप दारू वारू पीने में ध्यान रहता नहीं आपका, और जब आप जाते हो तो खाना नहीं मिलता। लास्ट टाइम मेरी 24th को मेरे साथ यही हुआ, अगर मेरा ब्लॉग आएगा अगर आपने देखा होगा तो आप देख सकते हैं, मैं गया था हिल्टन में जो कि अजमेर रोड की तरफ है हवा सड़क, और वहाँ पर खाना ख़त्म हो चुका था, मैं ड्रिंक के अंदर और स्टार्टस में रह गया और एंड में देखा खाना ख़त्म हो गया। इतना तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको फिर से मैं दिखाता हूँ खाने में क्या क्या है। सरसों का साग, काजू, मक्खन करी, और अच्छा यह भी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, बात करें आप चाइनीज ऑल्सो चाइनीज ऑल्सो चाउमीन एंड फ्राइड राइस एंड स्पिनच, थोड़ा इटालियन टाइप का भी लाउनेस। खाना ख़त्म हो जाएगा मुझे मालूम है, लेकिन अब क्या करते हैं, थोड़ा यूरोपियन स्टाइल भी रोस्टेड चिकन बना रहे हैं, और जैसे यूरोपियन स्टाइल स्लाइस पेशन, सो मेनी ऑफ डिफरेंट वराइटीज ऑफ डिशेज, फूड, वेजिटेबल, नॉन वेजिटेरियन एंड इंडियन नॉन वेजिटेरियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन, बहुत सारा फूड यू विल फाइंड एट वन प्लेस। एंड वी हैव जंगली मास ऑल्सो विच डजंट लुक वेरी स्पाइसी टू ट्राई जंगली में, बट यू हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द रोटीज ऑल्सो। सो द टाइम वेस्ट नहीं करता, स्ट्रेट अवे राइट नाउ इट्स लाइक 10:40, I'll straight away take you to the lounge 18, which is in the Marriott. Let's see what's happening there. People are celebrating the New Year, and you people are celebrating the New Year. And please subscribe my channel to watch more interesting videos, whatever I could present to you from my own experience, from my side in this life. Subscribe the channel, comment below the video, like it, dislike it, do whatever, but just show some engagement with my videos. Thank you. Let's go there.